के पूरा मुंह। सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। क्या चीज है ये? वो मौसम आ गए, इससे ठंडी हवा फेंकती भी बंद कर दी है। सावन में ठंडी हवा नहीं फेंकता, अब इसका काम खत्म हो गया, बस करो इसको। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ड्राई मोड पर एसी चलाने वाला हूं, क्योंकि ये एक घंटे से कूलर चल रहा था और कमरे में इसने बेहद नमी कर दी है। मैं फौरन से कमरे की एयर कंडीशनिंग करना चाहता हूं, तो देखते हैं ड्राई मोड से ऑन करने पर क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको एम्पियर्स और यूनिट्स दोनों दिखाऊंगा। वक्त हो रहा है इस वक्त दिन के 3:10 का। मैं एसी ऑन करने लगा हूं 25 डिग्री पर ड्राई मोड पे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, मैंने एम्पेयर मीटर को रीसेट कर दिया है नए पावर प्लग पे। एसी का सेफ्टी स्विच इसके साथ लगा रहा हूँ। इसकी पिन्स लंबी है और उसके अंदर इतनी जगह नहीं है, बट एनीवे ये एम्पेयर्स दिखाऊंगा आपको मैं और यूनिट्स दिखाऊंगा। टेम्परेचर को मैं सेट कर रहा हूँ 25 पर और मोड मैं कर रहा हूँ ड्राई। दोस्तों, ये मैंने ड्राई मोड पे ऑन किया है। मैंने भी पहली दफा ड्राई मोड पे ऑन किया है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होता था। तो मैंने 25 डिग्री पर इसको सेट किया था, लेकिन ड्राई पर सेट करते ही उसका अपना टेम्परेचर 30 हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखें, 30 पे चल रहा है एसी। अगर मैं इस टेम्परेचर को लो करने की कोशिश करता हूं इसके जरिए, 24 कर रहा हूं, 23 कर रहा हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मली मैं जैसे यहां से चेंज करता हूं तो रीडिंग वहां पर भी चेंज हो जाती है, लेकिन आज ड्राई मोड पे चल रहा है तो मैं इसको 25 डिग्री पर सेट कर रहा हूं। यहां पर वो आवाज आ रही है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मैं आपको एम्पेयर्स और यूनिट्स की वीडियो दिखाता हूं। एम्पेयर्स इस वक्त ले रहा है एसी 5 और यूनिट्स तो मैं आपको दिखा दूंगा एंड में के कितने खर्च हुए टोटल टाइम चलाने से। मैं सीलिंग फैन को लो स्पीड पे ऑन कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल इस तरह तो अभी 30 पे वो चला हुआ है। ये देखें, बस ये स्पीड रहेगी इसकी हल्की सी, बस इससे तेज नहीं मैं कर रहा इसको। अब मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कमरे में ड्राइनेस हुई है या नहीं हुई, हुई है तो कितने टाइम में हुई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा ड्राई मोड के साथ, मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। देखा था आपने कि 30 से टेम्परेचर शुरू हुआ था, तो अभी ये 29 पे चल रहा है एसी इस वक्त। हालांकि रिमोट के ऊपर मैंने 25 सेट किया हुआ है, 25 विद ड्राई मोड। इसके ऊपर मैं फैन स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं फैन दबाता भी हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राई मोड पर चलाने से ये 30 से शुरू तो हुआ था, रूम का अंदरूनी टेम्परेचर 30 था। आप सोच रहे होंगे इसके रूम का टेम्परेचर 30 कैसे हो सकता है इतना कम जुलाई के मिड में, तो उसकी वजह यह है कि सारी रात भी यहां पर एसी चलता रहता है और वैसे भी ये शेड में है रूम, सनलाइट को एक्सपोज नहीं है और फिर ग्राउंड फ्लोर पे है, तो इस वजह से मुमकिन है कि रूम का अंदरूनी टेम्परेचर 30 ही हो। वैसे मैं जल्द ही एक थर्मामीटर भी ले लूंगा ताकि एयर टेम्परेचर भी साथ में मेजर कर लिया करूं एक्सपेरिमेंट शुरू करते वक्त। आप देख सकते हैं कि एसी 28 डिग्री तक पहुंच गया है। जैसे जैसे ये रूम का टेम्परेचर सेंस करता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी टेम्परेचर डिस्प्ले नीचे आती जा रही है, तो जब ये 25 सेंस करेगा तो ये 25 पर ले आएगा। बाकी मोड्स पे इस तरह नहीं करता, बाकी मोड्स पे ये वाला एसी जिस टेम्परेचर पे सेट करो बस वो वाला टेम्परेचर दिखाता है। अगर रूम का क्या टेम्परेचर है वो देखना हो तो आपको मोड के जरिए जाकर देखना पड़ता है स्पेशली, वरना एसी ये जो एलईडी है ये नहीं दिखाती कि अभी क्या टेम्परेचर है, वो बस वो टेम्परेचर दिखाती है जो आपने सेट किया होता है। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं कि ये मेरा डॉलेंस का एनरकॉन 30 है और ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, डॉलेंस का लेटेस्ट सीरीज है। मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे है। कमरे की डायमेंशंस भी पता कर लें, ये 12 फुट इस तरह से है, 14 फुट ये इस तरह से है और 10 फुट फर्श से लेके सीलिंग की ऊंचाई है, तो 12x14x10 का कमरा है। और इस कमरे इस एसी का आउटर यूनिट इसी दीवार के साथ बाहर करके लगा हुआ है शेड में, छत पे नहीं लगा हुआ। ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनसे इफेक्ट पड़ता है कि आपका एसी कितने एम्पेयर्स और यूनिट्स लेगा। मैं आपको वक्तन फवक्तन हर 10-10 मिनट के बाद कोशिश करूंगा कि एम्पेयर्स और यूनिट्स दिखा दूं, ताकि आपको पता चले कि किस वक्त एसी कितना एम्पेयर्स ले रहा है, और फिर फाइनली आपको दिखाऊंगा कि जितने वक्त के लिए मैं चला रहा हूं उस पर इसने यूनिट्स कितने इस्तेमाल किए। देखिए, 6 मिनट पर भी ये 5.3 ही एम्पेयर्स ले रहा है। चले अब आपको थोड़ा सा कूलिंग का रिव्यू दे दूं। कूलिंग अच्छी है, वैसी नहीं है जैसी कि आप कूल पे करते हैं सेट तो आपको फील होती है, लेकिन बहरहाल कमरे में से नमी डेफिनेटली कम हो गई है 5 मिनट के अंदर अंदर ही। वो जो नमी और चिपचिपाहट मुझे अपनी स्किन पर फील हो रही थी वो काफी कम हो गई है। दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं और ये 5.3 एम्पेयर्स पर ही चल रहा है। यूनिट्स देखते हैं, 0.18 यूनिट्स खर्च हुए हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। 210 वोल्टेज आ रही है 5.3 एम्पेयर्स। वोल्टेज थोड़ी सी कम आ रही है, वैसे नॉर्मली 220 to 230 आती है।
10 मिनट के अंदर अंदर एसी का टेम्परेचर 2 डिग्री ड्रॉप हुआ है। आपने देखा था 30 से शुरू हुआ था तो अभी 28 पे चल रहा है ये, और मैंने 25 डिग्री पर ये एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है। दोस्तों 16 मिनट पे भी ये 5 एम्पीयर्स पर ही चल रहा है और टेम्परेचर इसका 27 डिग्री तक ड्रॉप हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और कमरे की एयर कंडीशनिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल मतलब नमी नहीं है जैसे हो गई थी एयर कूलर चलाने के बाद। बहुत अच्छा और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है कमरे के अंदर, मतलब ओवर ड्राई भी नहीं कर देता कि आपका हलक सूखने लग पड़े, लेकिन नमी बिल्कुल नहीं रहने देता ड्राई मोड। और एम्पेयर्स भी अभी तक तो ठीक ही ले रहा है, मतलब आपने देखा कि मैक्सिमम एम्पेयर्स अभी तक 5 पर ही गए हैं, वरना तो आपने देखा किस किस लेवल तक जाते हैं ये। मैंने उस रोज 24 पे चलाया था तो 12 तक चले गए थे एम्पेयर्स, तो ये 25 पर आज 5 एम्पेयर्स पर है अभी। मैं आपको दिखाता रहूंगा आगे ये कैसे चेंज होते हैं, लेकिन 20 मिनट गुजरने के बाद भी ये मुसलसल 5 एम्पेयर्स पर ही है, 5.15, और देखते हैं कि यूनिट्स कितनी हो गई हैं। 0.37 यूनिट्स खर्च हो गई हैं 20 मिनट के अंदर अंदर, 2.15 वोल्टेज आ रही थी। दोस्तों आधे घंटे बाद ये 4.95 एम्पेयर्स ले रहा है, और आधी यूनिट खर्च हो गई आधे घंटे में, 0.54 यूनिट आधे घंटे में, 214 वोल्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों 40 मिनट गुजरने के बाद एसी 4.18 एम्पीयर्स ले रहा है और 0.71 यूनिट्स खर्च हो गई हैं, 213 वोल्टेज आ रही है। ड्राइनेस से नमी तो खत्म हो जाती है, कमरे का टेम्परेचर बस ठीक ठीक है, उतना मजे का नहीं है जितना आप कूल और हाई फैन के साथ चलाते हैं तो आता है। ये समझ लें इस तरह का एक्सपीरियंस है जैसे ऑटो मोड पे चला हो एसी। ऑटो मोड पे अगर आप एसी चलाएं ना तो इस किस्म का की फीलिंग आती है जैसी ड्राइनेस के साथ आ रही है। सबसे मजे का कूल एंड हाई फैन ही है। बहरहाल 50 मिनट गुजरने के बाद 4.06 एम्पीयर्स ले रहा है और 0.87 यूनिट खर्च हो गई है, 215 वोल्टेज आ रही है। दोस्तों एक घंटा गुजरने के बाद भी ये 4.9 एम्पीयर्स ले रहा है और एक घंटे के बाद यूनिट्स हो चुके हैं 1, मतलब मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट स्टेडी परफॉर्मेंस है। इतना इन्वर्टर की तरह से काम नहीं कर रहा ड्राइव मोड पे। ड्राइव मोड पे आपने देखा था आधे घंटे में आधी यूनिट खर्च हुई तो एक घंटे में एक यूनिट खर्च हुई, मतलब इस तरह लीनियर सा ग्राफ जा रहा है। और एम्पीयर्स की बात करें तो वो भी तकरीबन यही 5 के गिर्द ही घूम रहे हैं, थोड़े से ही गिरते हैं फिर दोबारा 5 हो जाते हैं। समझ लें कि जब आप ड्राइव मोड पे चलाते हैं तो स्टेडी किस्म का ग्राफ होता है। वो जो हमारी सोच है कि इन्वर्टर एसी शुरू में ज्यादा और बाद में फिर कम लेता है, अभी तक तो ये चीज नहीं हुई। पहले एक घंटे में इसने एक यूनिट यूज कर लिया और एम्पेयर्स आपने देखे ही थे। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके यूनिट्स गिरते हैं या इसी रफ्तार से चलते रहते हैं। टेम्परेचर भी, नमी तो शुरू में कम हो गई थी, मुझे उसका मजा आया था, लेकिन अभी ये वो बात नहीं है इससे, बल्कि ऑटो भी मैं कहूँगा कि इससे बेहतर होता है ड्राइव पे चलाने से। ऐसे है जैसे बस फैन सा चल रहा है, थोड़ा सा ठंडा फैन। सबसे अच्छा कूल प्लस हाई मोड है, फिर ऑटो मोड है और फिर ड्राई मोड है। ड्राई मोड सिर्फ आप कमरे में नमी खत्म करने के लिए ही चलाएं, अदरवाइज रेगुलरली इसको आप ना चलाएं। ऐसी कोई बात नहीं कि इससे बिजली कम खर्च होती है, ज्यादा भी बहुत नहीं होती लेकिन कम भी नहीं होती। और इतना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मजा नहीं है टेम्परेचर का। दोस्तों कमरे से नमी खत्म हो गई है लेकिन मजे का नहीं है ड्राई मोड। शुरू शुरू में मजा आया था, शायद वो ज्यादा टेम्परेचर को लो करने के लिए थोड़ा वो ठंडा भी अच्छा कर रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको सारे एक्सपीरियंस का रिव्यू दूं तो मुझे ड्राई मोड लगातार यूज करने के लिए पसंद नहीं आ रहा। ये सिर्फ आप 10 मिनट के लिए चलाएं ड्राई मोड, जब आपके कमरे में बहुत नमी हो, कूलर आपने ताजा ताजा यूज किया हो और आपके कमरे में बहुत नमी हो गई हो तो आप ड्राई मोड को यूज करें। 10 मिनट के अंदर अंदर सारी नमी भी खत्म हो जाएगी तो आपको कमरे का एयर कंडीशनिंग ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद आप
अपनी मर्जी की सेटिंग यूज करें, या ऑटो पे चलाएं या कूल प्लस हाई पे चलाएं। मुझे तो कूल प्लस हाई का मजा आता है। तो लगातार ये तो मैंने आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बना दिया ड्राइव मोड का, वरना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ऐसे ही बस लग रहा है जैसे, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने 28 पे ऑटो मोड पे चलाया हुआ है, हालांकि मैंने 25 पे ड्राइव मोड पे चलाया हुआ है। बस आपको ये 1 घंटा 10 मिनट तक की रीडिंग दिखा के उसके बाद मैं ये सेटिंग चेंज करने वाला हूँ। और बिल की भी कोई बचत नहीं होती ड्राइव मोड पे। ये देखें 1 घंटे 10 मिनट पे ये 1.18 यूनिट्स ले चुका है। अभी 9 मिनट है, अभी तो और भी ज्यादा, मतलब 10 मिनट तक मेरे ख्याल में 1.2 यूनिट्स ले चुका होगा। और फिर मैं आपको एम्पीयर्स भी दिखाता हूँ, फिर मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगा। ड्राई मोड सिर्फ कमरे से नमी खत्म करने के लिए यूज करें, 10-15 मिनट काफी है, उसके बाद आप चेंज कर देंगे। 1 आवर 10 मिनट्स पे 1.18 यूनिट्स ले चुका है ये, तो बिजली भी नहीं बचाई, फायदा क्या। और 5 एम्पीयर्स ले रहे हैं, वो मुसलसल 5 पे ही है ये। तो भाई मुझे ये पसंद नहीं आया, बस ये कि नमी खत्म होगी कमरे से, अच्छी बात है, बाकी इसको आप चेंज कर दें 15 मिनट के बाद। तो इसको मैं कर देता हूँ 27 डिग्री पर कूल मोड पे, ये मैंने 27 कूल पे कर दिया, अब बेहतर हो जाएगा। ये देखें एम्पीयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं क्योंकि मैंने 27 पे कर दिया। तो दोस्तों हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है, और आज के ग्राफ भी स्पेशल है क्योंकि मैंने आपको यूनिट्स और एम्पीयर्स दोनों इकट्ठे ही दिखा दिए हैं। नीचे जो नीली बार है वो यूनिट्स की है, दिखाता है कि 10-10 मिनट के इंटरवल्स के बाद 1 घंटा 10 मिनट तक टोटल 1.18 यूनिट्स खर्च हुए, और आप देख सकते हैं कि 10-10 मिनट पर कितने कितने खर्च हुए। इसी तरह से ऊपर जो ऑरेंज कलर की बार है वो एम्पीयर्स की है, आप देख सकते हैं कि ड्रॉप हुए थे एम्पीयर्स 40 और 50 मिनट पर, मगर फिर से वो 5 पर चले गए, मतलब एवरेज आप समझ लें 4.9 एम्पीयर्स पर ये एसी चलता रहा है। तो 4.9 कोई बहुत अच्छे एम्पीयर्स नहीं है, ज़्यादा ही हैं, और यूज़ करने का मज़ा भी नहीं है ड्राई मोड पर। तो ड्राई मोड सिर्फ कमरे से नमी ख़त्म करने के लिए 10 मिनट तक चलाएं, उसके बाद अपनी मर्जी के मोड पे चलाएं, ऑटो पे चला लें या कूल प्लस हाई फैन पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर और मोड पे करूं। दुआओं में याद रखें, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।